क्वेश्चन आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम में राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, उनके लोक देवताओं से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है। यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोक देवता जामू जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1351 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में, 1551 ईस्वी में या 1651 ईस्वी में। जो लोक देवता जामू जी का जन्म हुआ था वो 1451 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर होगा सेकेंड। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन महिला प्रवेशक 2015 में पूछा गया था, तो महिला प्रवेशक में पूछा गया तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछ सकता है, कृषि प्रवेशक में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन है बाबू जी, हरबू जी, आलम जी व कल्ला जी है। तो जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आलम जी। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह को क्या कहते हैं। राजस्थान में जो गोगा जी की समाधि है उस जगह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है दादरेखा, थानिकपुरा या फिर गोगा मेड़ी या गूगल धाम। जो राजस्थान में गोगा जी की समाधि की जगह है उसको गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। ये ग्राम सेवक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या फिर गोगा जी। झारपीर के नाम से तो गोगा जी को जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा फोर। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेजा है, नेजा क्या है। ये रामदेव जी की पचरंगी पतलाक है या फिर तलवार के समान एक आयुध है या देवताओं का चढ़ावा है या फिर मंदिर का गर्भगृह है। तो ये नेजा है वो रामदेव जी की पचरंगी पताका है। राइट आंसर होगा ए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसा पीर व रूणी चारा धनी के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। ऑप्शन है तेजा जी को, रामदेव जी को, मेहा जी को या फिर बाबू जी को। जो रामसा पीर व रूणी चारा धनी रामदेव जी को जाना जाता है, तो राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवताओं को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ऑप्शन है हड़बू जी, बाबू जी, रामदेव जी व तेजा जी। तो रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, तो राइट आंसर होगा थर्ड। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेव जी मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रिखिया, जम्मा, बावले या नेजा। तो रामदेव जी मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता है, रामदेव जी एक लोक देवता है जो कभी भी है, इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित था। ऑप्शन है 24 बणिया वाला, 36 बणिया वाला या फिर 26 बणिया वाला या 25 बणिया वाला। तो रामदेव जी द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो 24 बणिया वाला है। राइट आंसर होगा ए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहते हैं। जिन पर श्वेत या पांच रंगों की ध्वजा पहराई जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है चेजा, नेजा, बीज व जम्मा। जो ये सफ़ेद पांच रंगों की ध्वजा फहराई जाती है उसे नेजा कहते हैं। राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीय व एकादशी को जो शक्ति जागरण किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है जम्मा, चेजा या बीज या नेजा। तो उसे जम्मा कहते हैं। राइट आंसर होगा ए।